भाई और बहनों, निश्चित तौर पर ये सदन गुजरात के आर्ट एंड क्राफ्ट हस्तशिल्प के लिए और गुजरात के हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत अहम सिद्ध हो सकता है। देश की राजधानी में जहां दुनिया भर के लोगों को, व्यापारियों कारोबारियों का आना जाना होता है, वहां इस प्रकार की सुविधा का होना बहुत उपयोगी है। इसी तरह गुजराती संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनियों के लिए सदन के सेंट्रल आर्जियम में का उपयोग करने का विचार भी बहुत ही अभिनंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यहां गुजरात टूरिज्म से जुड़ी जो व्यवस्था है उसको और सशक्त बनाया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूड फेस्टिवल जैसे आयोजनों को के माध्यम से दिल्ली के देशभर के पर्यटकों को गुजरात के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। एक समय था गुजरात का खाना तो खास करके उत्तर भारत के लोग उनको पसंद नहीं आता था, अरे बड़े यार बहुत मीठा होता है, और कहते थे यार करेले में भी आप मीठा डालते हैं। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं लोग पूछते हैं भाई गुजराती खाना अच्छा कहां मिलेगा, गुजराती खाद्य कहां अच्छी मिलेगी। और गुजरात के लोगों की विशेषता है जब वो गुजरात में होते हैं तो सैटरडे संडे शाम को खाना नहीं पकाते, वो बाहर जाते हैं, और जब गुजरात में होते हैं तब इटालियन डिश ढूंढते हैं, मैक्सिकन डिश ढूंढते हैं, साउथ इंडियन डिश ढूंढते हैं, लेकिन गुजरात के बाहर जाते हैं तो गुजराती डिश ढूंढते हैं। और यहां खमण को भी ढोकरा बोलते हैं और हांडवा को भी ढोकरा बोलते हैं। ये है तो एक ही परिवार के। अगर गुजरात के लोग बढ़िया ब्रांडिंग करें, इन चीजों को पहुंचाए, तो लोगों को पता चले कि भाई खमण अलग होता है, ढोकला अलग होता है और हांडवा अलग होता है। नए सदन में गुजरात में निवेश आकर्षित करने के लिए, गुजरात में उद्योगों के लिए एक अहम सेंटर बने, इसके लिए नई व्यवस्थाएं की गई है, और मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं से गुजरात में निवेश के इच्छुक भारतीय और विदेशी निवेशकों को और अधिक सुविधा मिलेगी। साथियों, ऐसे माहौल में जब सदन के आधुनिक डाइनिंग हॉल में लोग बैठेंगे और सामने ढोकला हो, फाफड़ा हो, खांडवी हो, दुधीना मुटिया हो, मोहन थाल हो, थेपला हो, सेव तथा टमाटर का साग हो, न जाने क्या क्या हो,